चैनल, आई होप आप सब ठीक है, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। एंड आज मैं और नानी कहीं पे घूमने जा रहे हैं, वो कहाँ पे जा रहे हैं आप लोग को दिखाती हूँ। नानी नानी कहाँ घूमने जा रहे हैं? एंड इतनी मस्त होके हम निकले थे, क्या बोलूँ, आप खुद ही देख सकते हैं गुवाहाटी में फ्लड, क्योंकि ये जो बारिश के कारण एंड रेन के वजह से दोनों पानी मिक्स होके ये सिचुएशन बनता है। गुवाहाटी का हालत देखो, पूरा फ्लड। एंड मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन आज पहली बार खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। वैसे तो मैंने सुना था एंड टीवी वगैरह में देखा था, लेकिन आज खुद एक्सपीरियंस किया तो बहुत ही गंदा फीलिंग लग रहा था, क्योंकि मतलब दिक्कत भी होता है। हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस हुआ, क्योंकि हम लोग जब निकले थे जल्दी निकले थे, लेकिन 2 घंटे हम लोग को वेस्ट करना पड़ा फ्लड के कारण। एंड इसी के वजह से हम लोग लेट भी हो चुके थे। एंड अब जिस गली जाओ उसी गली में फ्लड, खुद ही देख सकते हैं। एंड आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं नज़ारा दिखा रही हूँ, लेकिन कहाँ लेके जा रही हूँ अभी तक बताया नहीं है, तो सुनिए मैं बताती हूँ। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं शिलोंग, एंड नानी कभी नहीं गई थी, तो हम लोग ने सोचा कि नानी को घुमा फिरा के लेके आते, तो वही बस जा रहे थे। बट बीच में आप लोग ने देखा फ्लड का सिचुएशन, बट कोई नहीं, अभी रास्ता साफ है, नो फ्लड वगैरह, तो अभी खुशी खुशी हम लोग जा रहे हैं। एंड दिखाती हूँ मैं क्या क्या करते हैं हम लोग वहाँ पर, नानी और मैं सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए फिर लोकेशन का एंजॉय कीजिए एंड नज़ारा देखिए। एंड यहाँ का बस आप लोग नज़ारा एंजॉय कीजिए, इतना मस्त वेदर है, आप खुद ही पता लग सकता है आप लोगों को देख के, मतलब ठंड भी लग रहा है। एंड मैं आप लोग के लिए जितना हो सके अच्छा अच्छा क्लिप लेने की कोशिश कर रही हूँ। एंड एंजॉय कीजिए व्यू। तो यहाँ पे हम लोग चिप्स वगैरह ले रहे थे रास्ते पे खाने के लिए। एंड नानी के लिए सुपारी भी लिया था, यहाँ पे ऐसे मिलता है, एक पत्ता में सुपारी देते हैं ये लोग। यहाँ पे हम लोग लंच के लिए रुके हैं हाईवे ढाबा 2, एंड ये रही नानी। और एक्चुअली आप लोग को पता नहीं है,
मैं बहुत दिनों से, आई मीन मोर देन 2 मंथ से मैं वेजिटेरियन बन चुकी हूँ, बिल्कुल ही नॉनवेज नहीं खाती हूँ, बनाती हूँ लेकिन नहीं खाती हूँ, इन फ्यूचर खाऊंगी शायद। अभी नानी भी वेज खा रही है क्योंकि बाहर आने से नानी होटल वगैरह में नॉनवेज नहीं खाती है, तो पहले लंच कर लेती हूँ उसके बाद आप लोग से बात करती हूँ। Storm, a lightning strike as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say. एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी नानी को वो जगह दिखाने के लिए, तो आप लोग मेरी फेस पे देख सकते हो वो खुशी। मैं एक्चुअली बोलना भूल गई थी, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। एंड आई होप आप लोग मेरा ये जो भी व्यू, मतलब जो भी व्यू मैं दिखा रही हूँ, आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। और भी व्यू है सुंदर सुंदर, वो भी मैं दिखाती हूँ, आप लोग सिर्फ इन्जॉय कीजिए।
एंड फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए थे एंड नानी एंजॉय कर रही है नेचर्स ब्यूटी को, मतलब नज़ारा, एंड मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ नानी के साथ एंड बहुत लकी एंड हैप्पी फील कर रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं नानी के साथ इतनी दूर आई हूँ एंड घर से भी अच्छे से ट्रैवल करके आई थी एंड अभी तक एंजॉय कर रही हूँ नानी के साथ, बहुत ही लकी एंड हैप्पी फील कर रही हूँ। एंड नानी ने बोला था कि नानी को थोड़ा नीचे जाना है, बट नानी का थोड़ा पैर दर्द कर रहा था क्योंकि इतना दूर नानी ट्रैवल करके आ रही है तो थोड़ा सा थक चुकी है, बट स्टिल शी वॉन्ट्स टू एन्जॉय द ब्यूटी, सो इसीलिए थोड़ा नीचे जाके बोल रही थी कि यहाँ पे मुझे थोड़ी देर रुकने दो, अच्छा से देख लेती हूँ। एंड नानी अच्छे से एन्जॉय कर रही थी, मैं भी थोड़ा मतलब शूट कर रही थी, व्यू को भी एन्जॉय कर रही थी। अब देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं एंड यहाँ पे कुछ है नहीं, बस यही रिवर है जो देखने के लिए आते हैं एंड एन्जॉय करते हैं। मतलब ये नदी बहुत सुंदर है, मैं क्या बोलूँ, मतलब व्यू देखिए आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। Unexpected love was found. You're the rose in a garden.